आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि दाखिल खारिज हो जाने के बाद आप अपना दाखिल खारिज का स्थिति कैसे जांच कर सकते हैं। जैसे आप दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन देते हैं तो आपको एक रिसीविंग दिया जाता है कुछ इस प्रकार से एक रिसिप्ट दिया जाता है जिसमें कि एक केस नंबर और ईयर होता है। जैसे केस नंबर होता है और उसी के बाद जो इस भी होता है जैसे 2019/2021 या फिर 2021/2022/2023 इस प्रकार से। जैसे अभी आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको केस नंबर के बाद जो है जैसे 2022/2023 दिखेगा। तो उसका जो दोस्तों अगर आपके पास स्लिप है तो आप किस तरीके से जो अपना स्टेटस देख सकते हैं कि आपका दाखिल खारिज हुआ है या नहीं हुआ है। तो आज मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि स्टेटस में क्या रहता है तो क्या होता है, आज आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा सीखेंगे। तो चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। दाखिल खारिज का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा biharbhumi.bihar.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ बटन्स बने हुए हैं यहाँ पे, जिनमें कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन दाखिल खारिज करें और यहाँ पर है दाखिल खारिज आवेदन की स्थिति। तो सिंपल तरीके से आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज फिर से आपके सामने ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए पहले कह रहा है जिला चूज करें, तो यहाँ पर आप जिला चूज करेंगे। फिर यहाँ पर कह रहा है अंचल चूज करें, जो आपका अंचल है भूमि का वो चूज कर लेंगे, जो कि आपका सारा चीज़ जब आप ऑनलाइन जो मैंने आपको बताया रिसीविंग उस पर सारा चीज़ लिखा रहता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सत्र चूज कर लेना है और फिर यहाँ से आपको क्या करना है, सत्र चूज करने के बाद आपको यहाँ पर केस नंबर दर्ज करना है। केस नंबर को यहाँ पर टिक लगाएंगे और यहाँ पर जो आपका केस नंबर दिया गया उसको देना है और यहाँ पर केस नंबर डालना है और फिर यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर लेना है। सर्च पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो केस नंबर है, फिर जो खाता है खेसरा है और एप्लीकेंट का क्या नाम है और एप्लीकेशन डेट यानी कि किस तारीख को किया गया था और यहाँ पर स्टेटस क्या है, तो यहाँ पे दिख रहा है स्टेटस करेक्शन स्लिप जनरेटेड, यानी कहने का मतलब ये खारिज हो चुका है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से देखिए आपके सामने दिख रहा है। अब यहाँ पर सारा चीज़ लिखा रहा है कौन कब वेरीफाइड कर्मचारी किस तारीख को वेरीफाइड किया है, आरओ साहब कब वेरीफाई किए हैं, फिर आपको सीओ साहब कब वेरीफाई किए हैं, फिर आपको जो है करेक्शन जनरेट कब हुआ है, सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और यहाँ पर सारा चीज़ नाम दिया गया है किस व्यक्ति यानी कहाँ किसका किसके नाम से है, क्या है, कैसे है। और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर कॉपी ऑफ करेक्शन स्लिप जो सीओ ऑर्डर है, फिर यहाँ पे कॉपी रिसिप्ट से ऐसे मान लीजिए अभी निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। कभी कभी दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है कर्मचारी पेंडिंग दिखता है, मतलब कर्मचारी के पास रुका हुआ है, आरओ यानी कि राजस्व पदाधिकारी पेंडिंग है तो मतलब राजस्व पदाधिकारी के पास पेंडिंग है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर पेंडिंग रहती है। अभी जनरेट है तो यहाँ पे जो है डिस्पैच लिखा हुआ है, डिस्पोस्टेड ऑफ यानी कि ये जो है यानी खारिज किया जा चुका है। तो यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाए तो समझ लीजिए हो गया, यानी कि या फिर आप स्टेटस यहाँ पे देखेंगे करेक्शन स्लिप जनरेटेड तो मतलब समझिए कि हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है अपना दाखिल खारिज का स्थिति जांच कर सकते हैं और सिंपल तरीका है। तो दोस्तों यही थी जानकारी, कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए मुझे इतना ही, दीजिए मुझको इजाजत, जय हिंद जय भारत।